इस वक्त की कश्मीर हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के हिंदूकुश इलाके में ये भूकंप के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए गए हैं, लेकिन असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी हो रहा है। दिल्ली एनसीआर इलाके में भी भूकंप के झटके एक के बाद एक महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश कश्मीर में भूकंप के झटके कुछ ज़्यादा महसूस किए गए। पंजाब और चंडीगढ़ आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने तेज़ी से महसूस किए हैं, लेकिन असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अब से कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है कि हिंदूकुश इलाके में पाकिस्तान के ये भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई दीवारों में दरार आ चुकी है, कई जगह मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके तेजी से महसूस किए गए। पंजाब चंडीगढ़ आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन असर दिल्ली एनसीआर में भी। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता? देखिए, अभी ये फिलहाल साफ नहीं है रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता थी और भूकंप का केंद्र क्या रहा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी जरूर दे सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डराने वाले ये झटके थे और खुद मैंने इन झटकों को महसूस किया है। और मैं आपको बताऊं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये जो तमाम इलाके थे, और जम्मू की भी जानकारी है, ये जो तमाम बने रहे हमारे साथ पवन शर्मा हमारे सहयोगी जम्मू से सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, जम्मू और आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए, क्या हालात वहां पर है? हम अपने सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि पंजाब, चंडीगढ़, आसपास के इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और असर राजधानी क्षेत्र में भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। मोहित, किस तरह के नुकसान की कोई खबर? देखिए, अभी काफी शुरुआती जो अभी झटके हुए चंद ही मिनट बीते हैं, तो अभी पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में क्या नुकसान हुआ है, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में क्या नुकसान कुछ हुआ है या नहीं, ये अभी थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन झटके काफी ज्यादा दिल दहला देने वाले थे, काफी डरावना वो जो 2 से 3 सेकंड का वक्त था जिसमें झटके महसूस किए गए, काफी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी महसूस की गई है। हालांकि भूकंप की तीव्रता क्या रही, रिएक्टर स्केल पर क्या उसका फिगर रहा, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर दौड़ आए हैं, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं लोग, उनमें ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था, और उन्होंने जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए तो उसके बाद तमाम लोग अपने घरों से सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ दौड़े हैं, तो इतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी महसूस की गई है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए, हिंदूकुश इलाके में सबसे ज्यादा तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन असर इसका जम्मू कश्मीर इलाके में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, पंजाब के कई इलाकों में ये तगड़े झटके महसूस किए गए भूकंप के, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोहित, लेकिन जहां आप मौजूद हैं आसपास, किस तरह के हालात बने हुए हैं भूकंप के झटकों के बाद? देखिए, भूकंप के झटके महसूस करने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना, और जो लोग अपने दफ्तरों में इस वक्त मौजूद थे वो भी बाहर निकल आए, और जो लोग खासतौर पर, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो पंजाब से सटे हुए, जो माफी जगह चंडीगढ़ से सटे हुए इलाके हैं, मोहाली, जीरकपुर, खरड़, ये वो इलाके हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ पर ज्यादा अफरा तफरी का माहौल देखा गया, क्योंकि बिल्डिंग्स ऐसे लग रहा था जैसे पूरी तरह से हिल गई हों, डोल गई हों, जिसके बाद जो लोग ऊपर रह रहे थे वो दौड़े हैं नीचे की तरफ की किसी तरह से कोई नुकसान अगर होता है तो अपनी जान बचा सके, सब लोग नीचे की तरफ दौड़े हैं, लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए, तो ये अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखा गया। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि 2 से 3 सेकंड का ही भले ही वक्त रहा हो, लेकिन वो जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, वो काफी महसूस की गई, और लोगों ने अपने घरों के सामान को हिलते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने खुद महसूस किया कि जैसे उनका सिर घूम रहा है, हिल रहे हैं वो, जिसके बाद ही तमाम लोग सड़कों पर आ गए, और जो लोग अपने दफ्तरों में बैठे थे, चंडीगढ़ की हम बात करें, तो वो सब भी अब अपना कामकाज छोड़कर सड़कों की तरफ दौड़ पड़े। बिल्कुल, और रावलपिंडी और उसके आसपास तकरीबन 6.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता आंकी गई है, 6.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता आंकी गई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान की भी खबर आ रही है, हालांकि अभी प्राथमिक तौर पर सिर्फ ये पता चल रहा है कि कई जगह अफरा तफरी मची है, मकानों को नुकसान पहुंचा है, मकानों में दरारें आ गई है, कुछ इमारतों को हल्का नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हड़कंप, भूकंप के झटके, जहां 6.1 तीव्रता का भूकंप का झटका आया है, और
असर उसका हिंदुस्तान के भी कई और इलाकों में महसूस किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के आसपास में भी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोहित, जिस तरह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसकी दहशत और लोग मकानों से बाहर निकल गए, कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, कई बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही है, किस हद तक के आप जहां पर मौजूद हैं वहां इसके झटके महसूस किए गए हैं? अपने सहयोगी से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के रावलपिंडी के नज़दीक भूकंप का केंद्र पाया गया, रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता का ये भूकंप, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान में हिंदू कुछ इलाके में और हिंदुस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जहां आप मौजूद हैं किस तरह से झटके महसूस किए हैं लोगों ने? जी बिल्कुल, आप बताएं कि अब से कुछ ही पल पहले यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो सेंट्रल जोन कहें, दिल्ली का लुटियन जोन कहें, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ काफ़ी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो बताया अभी तक जा रहा है, जो जानकारी निकल रही है कि पाकिस्तान का रावलपिंडी इसका केंद्र बिंदु था। हालाँकि हिंदुस्तान में भी कई जगह इसके झटके महसूस किए गए हैं और ठीक वैसा ही झटका यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो लुटियन जोन है, दिल्ली सेंट्रल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर इसके झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इसका कुछ खास असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर नियमित जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा था, अभी भी ट्रैफिक वहाँ यहाँ चल रहा है, तो जाहिर तौर पे तो जिस तरीके का झटका जिसका केंद्र बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का रावलपिंडी होगा, तो उस वहाँ पर झटके महसूस ज़्यादा किए गए होंगे। जाहिर तौर पर उसके मुकाबले जो रावलपिंडी है, जो लुटियंस जोन है, जो दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली, यहाँ पर कुछ खास उतने उस तरीके के झटके महसूस नहीं किए गए। जी बिल्कुल। और अब से बस कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में आसपास ये भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे सहयोगी अमित जो कोर्ट के नज़दीक ही मौजूद हैं, अमित अगर आपकी लोगों से बातचीत हो पा रही थी, जो लोग इमारतों के भीतर थे, जैसे ही झटके उन्होंने महसूस किए इमारतों से बाहर वो निकल गए, क्या वो बता रहे हैं? जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, जिस इलाके में आप मौजूद हैं, लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो कह रहे हैं? देखिए प्रशांत, हम सचिवालय के बाहर हैं, अभी अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम निकल ही रहे थे तब ये झटके महसूस किए गए। ये वो लोग हैं जो सचिवालय में काम करते हैं। किस तरह से महसूस किया आपने झटके? मैं अपने ऑफिस के टेबल के वहीं पे बैठा था। हाँ। मैंने देखा कि बिल्कुल टेबल बिल्कुल हिली, अच्छा। शेक हुआ, तो ऑफिस से भी अंदर से भी लोग बोले कि भूकंप का लग रहा है, भूकंप का लग रहा है। फिर हम सारे लोग, ऑफिस के लोग हैं, वो सारे पे स्टेयर से भी नीचे आ गए फटाफट। अच्छा, सब ऑफिस के लोग बाहर आ गए। आप बताइए किस तरह से आपने महसूस किया झटके? सर, मैं बैठा था तो चेयर हिलने लगी अपने से, तो मुझे लगा कि शायद मैं ही हिल रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अलर्ट होकर जब महसूस किया तो चेयर हिल रही थी वास्तव में, और फिर थोड़ा तेज से हिलने लगी, तो फिर मैं उठा, मैंने फिर साथी से पूछा, आसपास पूछा, तो वो कह रही कि हाँ उनकी भी चेयर हिल रही है, मूवमेंट हो रही है। तो फिर धीरे धीरे बिना कुछ शोर शराबा किए, ऐसे जैसे पैनिक किए बिना, आराम से नीचे आ गए और अब थोड़ा देख रहे हैं कि अब नॉर्मल है, लेकिन घर पे पता करके पूछ रहे हैं, थोड़ा वो भी अलर्ट रहे हैं। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो सचिवालय में काम करते हैं और जैसे इन्होंने झटके महसूस किए सचिवालय से बाहर आ गए। अगर यहाँ पर हम दिखाएं सचिवालय के बाहर, कुछ लोग यहाँ हमें नजर आ रहे हैं जिसमें से ये कर्मचारी भी सचिवालय के थे, ये बाहर आए हैं। तो ये झटके इन लोगों ने महसूस किए और इनका कहना है कि काफी देर तक झटके जो है वो महसूस किए गए। जी प्रशांत बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे, ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग कह रहे हैं कि वो खुद टेबल के नीचे जाकर बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ना इमारतों को नुकसान पहुँचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के नज़दीक भूकंप का केंद्र और 6.1 तीव्रता का ये भूकंप का झटका, लेकिन पाकिस्तान में कई जगह इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है और बड़ी बड़ी दीवारें भी कई इमारतों में देखी जा सकती है, लेकिन असर भारत के भी कई राज्यों में देखने को मिला है। यहाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी
दफ्तरों में मौजूद लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और इमारत को खाली करके बाहर जाते हुए लोग दिखाई दिए हैं और हड़कंप समझ गया था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए एक के बाद एक। लेकिन सबसे ज्यादा झटका पाकिस्तान के रावलपिंडी और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। हालांकि इसका असर हरियाणा में महसूस किया गया, हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया है, पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दफ्तरों में लगी लाइट हिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक वक्त जब हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उस वक्त भी ये हड़कंप लोगों ने महसूस की और टेबल के नीचे बचने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली में उतने बड़े झटके नहीं आए और ना ही इमारतों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन पाकिस्तान में रावलपिंडी में जहां तगड़े झटके महसूस किए गए, इमारतों को भी यहां पर नुकसान पहुंचाए, बड़ी बड़ी दरारें भी यहां पर देखी गई है। इमारतों को खाली करके लोग पाकिस्तान रावलपिंडी के आसपास के इलाकों में बाहर दौड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसका असर भारत के भी कई राज्यों में महसूस किया गया है। जावेद, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल यहाँ से सचिवालय से लोग कुछ कम हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए। आप बताइए कि किस तरह से आप महसूस कर रहे थे और आप बता रहे कि आप अंदर से बाहर आगे काम कर रहे थे। मैं अपनी ऑफिस के टेबल पे ही बैठा था तो मैंने देखा कि टेबल बिल्कुल हल्के से हिल रही है, शेक कर रही है। तो अंदर से फिर लोग कुछ आए स्टाफ के, वो भी कहते हैं भाई भूकंप जैसा कुछ लग रहा है। मैंने महसूस किया कि कुछ टेबल कुछ हिल रही है, तो फिर हम फटाफट हम सातवें लेवल पे काम करते हैं, तो हम फिर फटाफट नीचे स्टेयर से भागते भागते फिर गेट पे आ गए। लोग आप सब पूरे ऑफिस? हम नहीं, ऑफिस तो नहीं, हम जो उस टाइम जो बैठे थे 4-5 लोग थे हम। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ फिर मैं नीचे आ गया। अब मैं ऊपर फोन कर रहा हूँ, अब फैमिली में फोन कर रहा हूँ कि भाई वो कैसे हैं, क्या है, कैसे उन्होंने महसूस किया नहीं किया इस तरीके से। बात हुई आपकी परिवार? हाँ, मेरी अपनी बहन से बात हुई है, वो कह रही थी कि भाई उनको भी लगा था कि कुछ बेड कुछ हिला है इस तरीके से, वो भी अपने घर से बाहर आके इस तरफ पारे की तरफ जा रहे हैं वो भी। तो देखिए ये लोग हैं, अभी हमने देखा था यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। फिलहाल यहाँ से अब लोग जा चुके हैं क्योंकि दफ्तर खत्म होने का टाइम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर सचिवालय के बाहर जो अभी थोड़ी देर पहले हलचल थी, अब वो फिलहाल कुछ थम गई है। लोग अंदर जा चुके हैं, जैसा कि हमें बताया जो सचिवालय में काम करते हैं उन्होंने, कि वो बाहर इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने तेज झटके महसूस किए और उनकी टेबल्स जो है वो हिलने लगी थी बाकायदा। जी 6.1 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया जावेद। लेकिन नोएडा में, फिल्म सिटी में भी तमाम दफ्तरों में ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं और दफ्तरों को खाली करके लोग बाहर जाते हुए दिखाई दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लेकिन जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली सचिवालय में जब मौजूद थे, आप लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव साझा कर रहे हैं आपसे जावेद? देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहीं पर मौजूद हैं। आपने झटके महसूस किए और आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी, ऑफिस में बैठा था। हाँ, बहुत देर तक हुआ। अच्छा, तो आप लोग ऑफिस से बाहर आ गए खुद को बचाने? हाँ, बाहर आए। सर आप बताइए, आपने किस तरह से झटके महसूस किए और आप बाहर आए हैं? नहीं, बाहर तो आना पड़ा क्योंकि काफी जोर जोर से जो बिल्डिंग हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तेज कुछ एक्शन हो रहा है, तो हमें समझ नहीं आया। फिर हमने तो इसलिए हमें बाहर बिल्डिंग से बाहर आना। कितनी देर तक महसूस हुआ अगर आप बता सकें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सब लोग बाहर आ गए थे अंदर से? ये करीब 3-4 मिनट लगा है इसमें कि काफी आया, तो उसके बाद हमने बाहर मूव करा। वहाँ पे पहले तो काफी अंदर रहा, फिर उसके बाद हमने बाहर मूव करा कि कंटिन्यू चल रहा है काफी लंबे टाइम के लिए। तो देखिए ये सचिवालय के बाहर वो लोग हैं जो लगातार वो अनुभव बता रहे हैं जो जब भूकंप आया था इन लोगों ने महसूस किया था। जी बिल्कुल, और हालांकि सबसे ज्यादा झटके पाकिस्तान रावलपिंडी के आसपास के इलाके में महसूस किए गए हैं और 6.1 मैग्नीट्यूड, और यहां पर नुकसान भी हुआ है कई इमारतों को। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, नोएडा में फिल्म सिटी में मौजूद दफ्तरों में लोगों को बाहर निकलते हुए देखा गया इमारतों से। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए, हालांकि केंद्र पाकिस्तान के रावलपिंडी के नजदीक था, लेकिन रावलपिंडी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ये भूकंप का केंद्र था और आसपास के इलाकों में बड़ा नुकसान भी रावलपिंडी और उसके आसपास के इलाकों में, जहां कई इमारतों में दरार पड़ गई, कुछ नुकसान भी इमारतों को पहुंचा है। लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर में हुआ, हिमाचल प्रदेश में महसूस किया गया है, पंजाब, चंडीगढ़, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए।
पाकिस्तान के रावलपिंडी से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ये भूकंप का केंद्र था।